हाय एवरीवन, वेलकम टू MS एडिटिंग यूट्यूब चैनल। सो आज का फोटो एडिटिंग कॉन्सेप्ट गाइज हमारे यहाँ पर लाइट रूम पर होने वाला है। सो गाइज आज लाइट रूम में हम अपने एक्वा डार्क टोन में फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। सो पिक आप स्क्रीन में देख सकते हो गाइज, बिफोर एंड आफ्टर पिक आपको नजर आ ही रही है। सो अगर आप इस टाइप की पिक को एडिट करना चाहते हो अपनी किसी भी नॉर्मल पिक को, सो आपको वीडियो को कम्प्लीटली यहाँ पर लास्ट तक देखना होगा ताकि आप इस टाइप की एडिटिंग को सीख पाओ। जो इस एडिटिंग में प्रेसेट्स यूज़ किया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है, वहाँ जाके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना ताकि वीडियो की हर अपडेट आपको मिलती रहे। सो गाइस चलते हैं हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। हाय एवरीवन, आपको यहां पर सबसे पहले अपने लाइटरूम ऐप को यहां पे ओपन कर लेना है। सो गाइस जैसे आप लाइटरूम ओपन करोगे तो आपको कुछ इस टाइप से इंटरफेस नजर आएगा। अब आपको यहां पे कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं नीचे की तरफ ये ब्लू कलर के बॉक्स के अंदर। सो गाइस यहां से आपको फोटो अपलोड के लिए ऑप्शन नजर आएंगे। तो इजीली गाइस आपको यहां से अपने प्रीसेट्स को और आपको अपनी पिक्स को ऐड कर लेना है जिनको आप यहाँ पे एडिट करना चाहते हो। सो हमने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है। सो ऑल फोटोज़ में हमारी यहाँ पे इमेजेस आ जाएगी। सो हमारी पिक्स कुछ इस टाइप से गाइस आपको नीचे से नजर आ रही, तो इन्हीं फोटोज़ पे हम अपना प्रीसेट्स आपको वर्क करके दिखाने वाले कि किस टाइप से आपका प्रीसेट्स यहाँ पे एडिटिंग करने वाला है। सो गाइस प्रीसेट्स हमारे यहाँ पे कुछ इस टाइप से सो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। सो गाइस ये एक्वा डार्क टोन में प्रीसेट्स है, यानी ये इस टाइप की प्रीसेट्स आपको बहुत कम यूट्यूब पे मिलने वाली है, आपको वेबसाइट पर मिलने वाले हैं। तो अगर आपको इस प्रीसेट्स को डाउनलोड करना है तो ईजिली जाना है, आपको स्क्रीन पर वेबसाइट नज़र आ रही है, इस वेबसाइट पर जाके आपको एक्वा डार्क टोन प्रीसेट सर्च करके डाउनलोड कर लेना है। या आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड करूँगा, उस लिंक से आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हो। अब गाइस आपको ईजिली क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले इस प्रीसेट्स को आपको यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको कॉपी सेटिंग्स पे क्लिक करना है। और इजीली आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, इनको आपको यहाँ पे फिल नहीं करना है, तो आपको इनको यहाँ पे खाली रखना और इसको आपको राइट क्लिक कर देना है। अब इजीली आपको यहाँ पे बैक आना है, इससे कि आपकी सेटिंग्स यहाँ पे कॉपी हो चुकी है। अब क्या करेंगे, हम अपनी पिक के ऊपर, यानी जो पिक है जिसका हमने प्रीसेट्स क्रिएट करा है उसी पे इस पिक को यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे। तो थ्री डॉट पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे पेस्ट सेटिंग कर देना है। सो गाइस जैसे आप पेस्ट सेटिंग करोगे तो आप देख सकते हो कितना कमाल के आपके यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई हो चुका है, आपकी फोटो भी काफ़ी अच्छी, यानी एक और डार्क टोन में यहाँ पे एडिट हो चुकी है एक क्लिक के अंदर। सो अदर फोटोज़ पे उन पे भी हमें आपको अप्लाई करके बताते हैं गाइज। तो बैक एरो पे क्लिक करेंगे और ये एक पिक और है हमारे यहाँ पे। सो सिंपली इस पे भी थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और इस पे भी पेस्ट सेटिंग कर देंगे। सो पेस्ट सेटिंग करने के बाद में इस पे भी बैकग्राउंड का कलर काफ़ी अच्छा ऑसम हो चुका है। सो इसके बाद में हम अपनी एक और पिक को लेंगे। सो इसको भी हम यहाँ पे लेंगे, वही थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम पेस्ट सेटिंग कर देंगे। सो पेस्ट सेटिंग करने के बाद में इस पे भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट हमारे यहाँ पे पिक पे आ चुका है। सो इस पे भी लेते हैं हम एक और पिक को आपको यहाँ पे बता देते हैं, यानी सारी पिक्स पे आपको अप्लाई करके बता देते हैं कि किस टाइप से हमारा टोन यहाँ पे रहने वाला पिक का। तो इसको भी देख सकते हो। अब इसमें हमारे गाइस ज़्यादा लाइटिंग आ रही है तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है, लाइट का ऑप्शन आ रहा है सिंपली यहाँ पे, सॉरी इस पर टेम्परेचर वाला ऑप्शन आ रहा है। इसमें क्या करेंगे गाइस, आपको मिक्स वाले कलर पर जाना है, यहाँ पे आपको ये कलर सेलेक्ट करना है ऑरेंज वाला, जिसके आपको ईजीली लुमिनस को कम करना है और इसका आपको कलर टोन भी यहाँ पे ह्यू भी कम कर देना है और सेचुरेशन भी आपको सही कर देनी है। तो इस टाइप से यहाँ पे इजीली मैनेज कर पाओगे। सो आपको सबसे पहले अपनी पिक को उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। तो इस पे भी इस प्रीसेट्स को हम अप्लाई करा दें, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे उस पे पेस्ट सेटिंग कर देंगे। तो इस पे भी हमारे यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। सो इस तरीके से आप अपनी सारी फोटोज़ को गाइज यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एडिट कर पाओगे। सो काफ़ी देख सकते हो आप, काफ़ी ऑसम पिक हमारी यहाँ पे एडिट हो चुकी है। सो आप भी इसी तरीके से अपनी इस फोटो को एडिट कर पाओगे इस प्रीसेट्स की मदद से। प्रीसेट्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आपको पिक को सेव करना है तो शेयर बटन पे क्लिक करना है और गाइस सेव टू डिवाइस में जाके सेव करना है, इजीली आप अपनी पिक को यहाँ पे सेव कर पाओगे। सो आई होप आपको ये फोटो एडिटिंग अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को यहाँ पे एक लाइक जरूर कर देना है गाइज, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना है। सो मिलते हैं इस टाइप के लेटेस्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।